हेलो यूरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा रोज बालसम का प्लांट इम्पिटेंस बालसमिना, जिसे आमतौर पर बालसम गार्डन, बालसम रोज, बालसम आदि नामों से जाना जाता है। जब मैंने इसे नर्सरी से बाय किया था इस प्लांट को, तब मेरे पास कोई पॉट खाली नहीं था, तो इसलिए मैंने आटे के थैले में मिट्टी डाल के इस प्लांट को लगा दिया था। मैं दो प्लांट लाई थी, एक रेड कलर का था, एक डार्क क्वीन कलर का, और दोनों प्लांट मैंने एक साथ ही इसमें लगा दिया था। अच्छा ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स। रोज़ बालसम प्लांट लगभग हर घर में मिल जाता है। और सॉइल की बात करें तो इसे वेल्डन सॉइल पसंद है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा सैंड, तीनों को मिक्स करके इसी में प्लांट लगा दें। महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट डाल दें। पानी की बात करें तो इस प्लांट में पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी दिखे। ओवर वाटरिंग ना करें, ये एक सीजनली फ्लावर प्लांट है। बालसम के प्लांट में अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं जो कई कलर में आते हैं, जिसमें पिंक, रेड, पर्पल, वाइट और सारे कई कलर होते हैं। इस प्लांट को बारिश से सितंबर तक आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। 50 से 60 दिन बाद इसमें फ्लावरिंग होने लगती है और आपका प्लांट फ्लावर से लग जाता है। इस प्लांट में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ईजी टू ग्रो प्लांट है। सीजन के एंड में बीज कलेक्ट कर लें। ज़्यादातर तो इनके बीज बोने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जिस पॉट में प्लांट लगा होता है, जो भी बीज गिरते हैं, अगले सीजन नया पौधा निकल आता है। रोज़ बालसम का प्लांट नर्सरी से भी ला के लगाया जा सकता है और सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में ज़्यादा फ्लावरिंग वाला पौधा हो, तो रोज़ बालसम प्लांट को ज़रूर ऐड करिए। फ्लावर की कमी नहीं रहेगी आपके गार्डन में। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो किस प्लांट में देखनी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।